वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में मोटो का G9 पावर। इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस जो स्टेप मैं करूँगा वो सेम फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है अभी, मैं ये देखो मैंने चलाया कुछ और ये चल कुछ और जाता है, ठीक है। तो ये जो है अभी पूरा हैंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई इसमें मूवमेंट जो है वो टोटली ख़राब हो रखी है। तो अभी हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स सा बन के आ जाता है और ये टच देखो काम नहीं करती सिंगल फिंगर से। तो ये चीज़ हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर। और सेटिंग में जाने के लिए आपको टू फिंगर का यूज़ करना पड़ेगा, तब आपकी टच चलने लगेगी। ये देखें, ये टच हमारी वर्किंग करने लगी है। सेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना और इस पर दो बार तीन बार जितनी बार टच करना तो ये आपका जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब हम सिंगल फिंगर से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टच काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें टू ही फिंगर का यूज़ करना है तब जाके टच चलेगी। तो टू फिंगर से हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी में। ये रहा, ये एक्सेसिबिलिटी आ गया, इसको सिलेक्ट करके इस पर डबल टैप कर देंगे, ये ऑप्शन आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखें ऊपर स्वाइप टू स्लिप, ये जो है हमारा वाइप टू स्लिप ये जो है ऑफ है, सिलेक्ट टू स्पीक भी ऑफ है, टॉल बैक जो है हमारा ये ऑप्शन ऑन दिखा रहा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर डबल टैप करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया हमारा। अब नीचे ये यूज टू टॉल बैक आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर से हम डबल प्रेस करेंगे, नीचे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको डबल प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब हमारी जो टच है वो सिंगल फिंगर से काम करेगी, ये देखें अब ये टच हमारी सिंगल फिंगर से काम कर रही है, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।